नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। इस व्रत को रखने से घर में जो दुर्दशा रहती है वो समाप्त हो जाती है और दशा माता के आशीर्वाद से घर में सुख शांति समृद्धि का वैभव बना रहता है। पंडित प्रेमलता नागर ने बताया कि एक समय राजा ने व्रत कर रही महिलाओं के द्वारा पीपल के पेड़ पर लगे धागे को तोड़ दिया था, जिससे उस राजा की दुर्दशा और प्रजा बहुत दुखी हुई। उसके बाद राजा ने दशा माता से माफी मांगी थी और कहा था कि मेरे से भूल हो गई है, अगली बार मैं दशा माता के व्रत पूरे राज्य में करवा लूंगा। ये तभी उसके बाद से राजा की प्रजा सुखी और समृद्ध होती गई और दिखाई दी। इस व्रत में महिलाएं सुबह से व्रत रखती हैं और घर से शुद्ध धागे को बंडल ले जाकर श्रीफल, ताव, अबीर, गुलाल, कुमकुम, हल्दी से पूजन करती हैं। इसके बाद वहां से पानी लाकर घरों में छिड़काव करती हैं, जिससे घर की दुर्दशा दूर हो जाती है। घर में परिवार में धन धान्य वैभव आने लगता है। ये व्रत वर्षों से चलता आ रहा है।